नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो फिन। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। 10 साल बाद फिर से राजनीति में वापसी करेंगे संजय दत्त। महाराष्ट्र के मंत्री ने किया दावा। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त करीबन 10 साल बाद फिर से एक बार राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक और कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर ने बताया कि संजय दत्त 25 सितंबर को उनकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि RSP महाराष्ट्र सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। गौरतलब है कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। कुछ महीने पहले संजू बाबा अपनी बहन और कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया दत्त के लिए मुंबई में चुनाव प्रचार करते दिखे थे। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से लोकसभा सीट पर उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए थे। आज खत्म होगी पी चिदंबरम की CBI की रिमांड। कोर्ट में होगी पेशी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर भी सुनवाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सामने बैठा करके जब जांच एजेंसियां तार से तार जोड़ रही है तो अनेक तारों के सिरे आपस में मिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिरासत में मौजूद पी चिदंबरम अभी भी इन तारों का कनेक्शन काटने में लगे हुए हैं। पी चिदंबरम की कोर्ट में पेशी दोपहर 2 बजे के बाद होगी। CBI आज उन्हें राउंड रेवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां CBI उनकी रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका बढ़ाए जाने के समेत अन्य मुद्दे पर भी सुनवाई करेगा। हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा, अब जेड प्लस सुरक्षा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा को लेकर के बड़ी खबर आई है। सरकार ने मनमोहन सिंह को मिलने वाली SPG की सुरक्षा हटा दी है, अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मनमोहन सिंह पर कितना खतरा है इसका आकलन करने के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले करीबन 3 साल पहले मनमोहन सिंह की 2 बेटियों को भी SPG सुरक्षा हटा ली गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा का फैसला गृह मंत्रालय को करना है। खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की सुरक्षा पर भी जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। KBC लॉटरी के नाम पर पाकिस्तान से आ रही फर्जी मैसेज। 25 लाख रुपए जीतने की दी जा रही जानकारी। कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के शुरू होने से पहले ही इसके नाम पर ठगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन दिनों पाकिस्तानी नंबरों से कॉल और मैसेजेस के जरिए ठगी का सिलसिला जारी है। इन नंबरों से पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जाता है। भेजे गए मैसेज के जरिए 25 लाख रुपए का लालच दिया जाता है। मैसेज में यह लिखा होता है कि आपके नंबर पर 25 लाख रुपए का लॉटरी लगी है। इस मैसेज के एक नंबर होते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि लॉटरी हासिल करने के लिए आपको दूसरे नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। मैसेज में लिखा होता है आपके लिए गुड न्यूज है, आपके इस नंबर पर कौन बढ़ेगा महाकरोड़पति की ओर से आपके इस नंबर पर 25 लाख रुपए का लॉटरी लगी है। लॉटरी हासिल करने के लिए आपको एक दूसरा नंबर दिया जाता है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए। एक ट्विटर यूजर आकाश ने इस मैसेज के बारे में मुंबई पुलिस को जानकारी दी। आकाश ने मुंबई पुलिस को टैग कर लिया कि उसके पास एक कॉल आया था जिसे 25 लाख रुपए का ऑफर दिए जा रहे थे। आकाश ने ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस को जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है कि अपना किसी भी तरह का कोई डिटेल इन लोगों से साझा न करें, जल्द ही अपने नजदीकी थाना क्षेत्र से संपर्क करें। अखबार नौकरी गाड़ी और नाश्ते पर रोक लगा रहा, दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे प्रधानमंत्री इमरान खान अपने मुल्क की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक कोशिश में उनकी सरकार ने नए पदों को सृजन पर भी रोक लगा दी है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि अब वह नई गाड़ी भी नहीं खरीदेगी और सरकारी विभागों के कामकाज के दोनों तरफ का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इसके कार्यकाल से पहले 1 साल देश में वित्तीय घाटा चुका है। फैसला लिया गया है कि मोटरसाइकिल को छोड़कर के कोई नया वाहन नहीं खरीदेंगे। दफ्तरों में कागजात की खपत को घटाने के लिए सभी सरकारी संदेशों को आदान प्रदान में इसके दोनों तरफ का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा केवल एक ही अखबार या पत्रिका खरीदने पर रोक लगाने की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि प्रधान अकाउंटेंट अफसरों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे बिजली, गैस, टेलीफोन आदि के संतुलित और कम उपयोग को सुनिश्चित करें। अधीर का अटैक, भाजपा नेता की तरह काम कर रहे सत्यपाल मलिक, उन्हें बीजेपी अध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर जोरदार हमला बोला है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से विपक्षी दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर में घूमने न देने की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसी बीजेपी नेता की तरह काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने बयान भी भाजपा कार्यकर्ता की तरह प्रतीत होता है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर हमला बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। G7 सम्मेलन के इतर मोदी ने जॉनसन से की मुलाकात, भारत ब्रिटेन संबंधों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां ब्रिटेन के अपने समकक्ष बोरिस जॉनसन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ करने के तरीकों पर भी चर्चा की। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्थित शहर बिल्जारिया में G7 शिखर सम्मेलन के इतर मोदी ने जॉनसन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी बहरीन की राजधानी से बेल्जियम पहुंचे हैं। जॉनसन ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां दोनों नेताओं के बीच होने वाली पहली मुलाकात है। जून 2016 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से हटने के बाद वोट के बाद जॉनसन कम ही समय में डेनिस कैमरन और टेरिस के बाद तीसरे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं।